हरियाणा निवासी अभिषेक भड़ाना जी जो सिविल जज बने हैं चूहड़पुर खादर में, धीरज सिंह भाटी मैनेजर जिनके वे भांजे हैं उनके निवास पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों लोग जुटे और इस प्रतिभा का सम्मान किया गया। देखें पूरा कार्यक्रम, किन किन लोगों ने स्वागत किया। फिर बात के भी अभिषेक भड़ाना जी, बड़ी उपलब्धि, सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया, आपके संगठन ने भी सम्मानित किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज चौहड़पुर खादर में अभिषेक भड़ाना जी का जो है स्वागत हुआ है, उनको सिविल जज की तैनाती उन्हें मिली है। और अभिषेक भड़ाना ने गुजर समाज में एक प्रेरणा का काम किया है। चौहड़पुर निवासी स्वर्गीय श्री चंदन सिंह जी के वो देवते हैं और आज चौहड़पुर में तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बुला करके अभिषेक भड़ाना जी का यहाँ स्वागत किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभिषेक ने एक प्रेरणा समाज के लिए और तमाम लोगों के लिए दी है, ताकि शिक्षा ग्रहण करके और भी बच्चे हमारे IAS, IPS, PCS, PCSJ यानी कि तमाम उन उच्च पदों पर पहुँचे जहाँ तक अभी तक हमारे समाज के लोग नहीं पहुँच रहे थे। ये एक नई किरण के रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अतर सिंह जी, आपके पोते की बड़ी कामयाबी है, बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, मेरी बिरादरी का, मेरे समाज का बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है, आप जैसे महानुभाव की कृपा है जिससे ये बच्चा यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है। तो मैं तो ये कह दूँ कि आप लोगों का सबको इस जिस खुशी से आप लोगों ने स्वागत किया है, मैं जितना भी कह सकूँ उतना थोड़ा है। आप सबको, बिरादरी को, समाज को, सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। अच्छा, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कहेंगे आप? एक ही छोटा भाई है, इसने जो बड़ा वो करा, संघर्ष करा और आज अच्छी जगह पहुंचा है, तो इसलिए हमने खुशी में करा है और हम लोग को बड़ा खुशी हुआ और सभी क्षेत्रवासियों को प्यार और सहयोग आपने देखा ही है, जो बहुत सब खुश है। साथियों, बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक भड़ाना जी जिनका चयन हुआ है जज के लिए और आज यहाँ चूहड़पुर गाँव में यहाँ बड़ा जोरदार स्वागत भी, धीरज सिंह प्रधान जी के निवास पर जोरदार स्वागत भी हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं जिन्होंने इनका स्वागत, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी महान उपलब्धि इतनी छोटी उम्र में जज बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहेंगे आप? आपका स्वागत भी हुआ यहाँ पर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, खासकर मेरे मामा जी का। ये जहाँ भी आज मैं जिस जहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो मेरे मामा, दोनों मामाओं का रहा है। उनकी बहुत जीवन में बहुत उनके मतलब योगदान रहा और आप सबका प्रेम है, आशीर्वाद है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, कोई विशेष कार्य योजना बनाई आपने इस कामयाबी के लिए? नहीं, विशेष कार्य योजना नहीं, लेकिन मेरा एक लक्ष्य था जिसमें मामा यहाँ खड़े ही हैं, इन्होंने ही रास्ता दिखाया था, तभी से मैंने सोच लिया था कि इसी रास्ते पर चलना है और बस फिर ईश्वर की कृपा है कि यहाँ सेलेक्शन हो पाया। अच्छा, बड़ी छोटी उम्र में आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज होगा आपका? यंग जनरेशन से मैं यही अपील करूंगा कि आप सभी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, खुद पे भरोसा रखें और कभी भी संयम ना खोए। अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो जरूर आपको एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त होगा।